हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास जियो पेमेंट बैंक है, आपने भी जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिए हैं, लेकिन अगर आप उस अकाउंट को फ़ोनपे में ऐड करना चाहते हो यानी लिंक करना चाहते हो यूपीआई के तौर पे यूज़ करने के लिए, बट आपको लिंक करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप अपने जियो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड का नंबर नहीं देख पा रहे हो, उसका एक्सपायरी डेट नहीं देख पा रहे हो, तो इस वीडियो कंप्लीट दिखेगा। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जियो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड के नंबर को कैसे देखोगे एंड उसका एक्सपायरी डेट कैसे देखोगे, उसके बाद आप फ़ोनपे में लिंक कैसे करोगे। अगर आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो मैं ऑलरेडी अकाउंट करने का भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो के माध्यम से जियो पेमेंट बैंक में ऑनलाइन घर बैठे ही फुल KYC के माध्यम से अकाउंट ओपन करके UPI यूज़ कर सकते हो। बट इस वीडियो में सीखेंगे फ़ोनपे अकाउंट में जियो पेमेंट बैंक को ऐड कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर इंडिया चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोसेस की, तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने डिवाइस में माई जियो अप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जो का जियो की एप्लीकेशन है ऑफिशियल। उस एप्लीकेशन के अंदर ही आपको बैंक का ऑप्शन मिलेगा और आप वहीं से अपने डेबिट कार्ड का नंबर को देख सकते हो। जब फ्रेंड्स आप ओपन कर लोगे तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। यहाँ से फ्रेंड्स सिंपल आपको बैक हो जाना है और आपको बैंक पे टाइप करना है। बैंक वाला ऑप्शन पे टाइप करोगे, आपका एम पिन जो भी आपने यहाँ पे सेट किया होगा उस एम पिन को एंटर करेंगे। एम पिन एंटर करने के बाद आप इंस्टेंट लॉगिन हो जाएगा और ऊपर में फ्रेंड्स आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा और आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे टाइप करना है। इंडिया आपके सारे डिटेल्स शो हो जाएंगे आपके बैंक से रिलेटेड। आप हमें डेबिट कार्ड का नंबर देखना है, आपको यहाँ पे कार्ड नंबर जो ऑप्शन मिल रहा है उसके आगे में एक आई का आइकन दिख रहा है, ठीक है। आई वाला आइकन पे टाइप करके आपका कार्ड का नंबर शो हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे आपको एक्सपायरी डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसको ऐड कैसे करना है फ़ोनपे के अंदर। आपको जस्ट फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना होगा जियो बैंक को ऐड करने के लिए। चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के इस तरीके से अपना अनलॉक कर लेंगे एप्लीकेशन को एंड ऊपर में अपने प्रोफाइल पे टाइप करेंगे और इधर स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा आपको स्लाइड करने का ऑप्शन मिलेगा और आपको नीचे भी मिलेगा एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, सर प्लस का आइकन मिलेगा इस तरीके से। जस्ट आप प्लस के आइकन पर टाइप करेंगे और यहाँ का सारे बैंक शो हो जाएंगे जो इंडिया के अंदर होंगे, ठीक है। आपको सिंपल सर्च का ऑप्शन पर टाइप करना होगा जियो पेमेंट बैंक। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जियो। जियो टाइप करेंगे यहाँ आपका जियो पेमेंट बैंक शो हो जाएगा। आपको सिंपल से इसके ऊपर ही टाइप करना है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा, वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो नंबर से लिंक है या नहीं यहाँ पर बताया जाएगा और आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर टाइप करेंगे। अपने कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट यहाँ फिलअप करना होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया आप वहीं से अपना एक्सपायरी डेट को देख सकते हो और कार्ड का लास्ट का 6 नंबर इंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पर टाइप करोगे। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके नंबर पर एक 4 डिजिट का कोड आएगा जो कि मैं ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। आपको मैनुअली फिलअप नहीं करना है, ठीक है, आपको वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। बस आपको नीचे साइन के ऑप्शन पर टाइप करना है, साइन पर टाइप करोगे अब आपको यहाँ पे 4 डिजिट का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। आप कौन सा 4 डिजिट का पिन रखना चाहते हो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको फिर से इसी पिन को कन्फर्मेशन के लिए अगेन दोबारा फिलअप करना होगा और दोबारा जब फिलअप कर लोगे नीचे आपको साइन पे टाइप करना है। थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा और उसके बाद आपका जो UPI पिन है जो आपका जियो बैंक है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब बैंक बैलेंस चेक कैसे करना है, तो यहाँ से बैक हो जाता हूँ सिंपल। और बैक हो जाने के बाद आपको चेक बैंक अकाउंट बैलेंस पर टाइप करना है और अपने जियो पेमेंट बैंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को यहाँ का जो भी आपने UPI पिन अभी सेट किया है उस UPI पिन को एंटर करेंगे तो इंस्टेंट आपका यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस शो हो जाएगा, जितने अपने अकाउंट के बैलेंस वहाँ पे होंगे जियो पेमेंट बैंक के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोनपे के अंदर जियो पेमेंट बैंक को ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।